के कटिहार में NHAI से निर्माणाधीन आरओबी कार पर रुकावट डाल रहे रेल कर्मियों द्वारा की जांच में पहुंची जिला प्रशासन की टीम। मौके पर पहुंची स्थानीय सहायक थाना को DM ने दिया दिशा निर्देश। सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर दर्ज करे शिकायत। नगर के गौशाला रेल फाटक पर वर्ष 2023 में आरओबी पुल के निर्माण का है लक्ष्य। BNP न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। क्या स्टेटस है अब तक? क्या ये गौशाला गुमटी के ऊपर जो आरओबी बन रहा है, NHAI के माध्यम से बनाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने आज आया हूँ। जो NHAI के ऑफिसर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि रेलवे के कुछ पदाधिकारी कर्मचारी इस कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उस संबंध में मैंने जाँच की है और मैंने थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया है कि वो स्वयं इस एरिया में मूवमेंट करेंगे और किसी प्रकार का बाधा इस कार्य में नहीं होना चाहिए। फरवरी 2023 तक ये ब्रिज कंप्लीट होना है और इस ब्रिज का समय पर कंप्लीट होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कटिहार के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट ब्रिज है, जिससे कि कटिहार का एक साइड और दूसरा साइड जो गौशाला गुमटी के कारण घंटों बाधित होता है वो जुड़ जाएगा ब्रिज के माध्यम से। इसलिए उस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी बाधा है उसका तुरंत सोल्यूशन किया जाएगा। रेलवे के शीर्ष पदाधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी और इसका निदान किया जाएगा और पूरी कोशिश है कि समय रहते ही ओवरब्रिज कंप्लीट हो। सर, रेलवे की तरफ से क्या कोई जमीन को लेकर डिस्प्यूट है कुछ इस तरह का? रेलवे का इधर कॉलोनी है तो कई ऐसे कार्य भी वो करने के लिए कह रहे हैं जैसा कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं, जो कि इनके स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है। और कुछ ज़मीन भी अधिग्रहित करनी है जिसके लिए पूर्व में ही अग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए ये लोग कॉम्पनसेशन भी देंगे, वो संचिका भी मूवमेंट में है। तो जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में है वो हम लोग करेंगे। उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य करने के लिए वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बाध्य नहीं कर सकते हैं, इसी को इंश्योर करेंगे।